और आर है। और भारत के बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा और विभिन्न उपायों के माध्यम से उन्हें राहत प्रदान करने के लिए संसाधन जुटाने वाली गैर सरकारी संस्था हेल्पेज इंडिया ने अपने 35 वर्षों का सफर पूरा कर लिया है। इस मौके पर राजधानी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बुजुर्गों की समस्या और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पेश है संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। उम्र का एक ऐसा पड़ाव जिसमें शरीर कुछ साथ देना कम कर देता है, जी हाँ वृद्धावस्था। इसमें कुछ तो दुख शारीरिक अवस्था के कारण पैदा हो जाते हैं। बुढ़ापा आने के साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। वृद्धावस्था एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बुजुर्गों को समझने की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसी बुढ़ापे की उम्र में ज्यादातर लोगों का साथ उनके परिवार वाले छोड़ देते हैं। भारत में बुजुर्गों के अपमान की घटनाएं शर्मनाक हैं। भारत में बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा और विभिन्न उपायों से राहत देने वाली गैर सरकारी संस्था हेल्पेज इंडिया ने अपने 35 साल पूरे कर लिए हैं। हेल्पेज इंडिया के अनुसार 3 में से एक बुजुर्ग अनादर और तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर है। देश में बुजुर्गों की संख्या करीब 10 करोड़ है, जिसमें से 50% बुजुर्ग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। देश भर में 10 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं, ये सेंसस के मुताबिक। इसमें से 51% गरीब रेखा से नीचे ही है, उसका मतलब है 5 करोड़ आबादी गरीब रेखा के नीचे है। हम चाहते हैं कि बच्चों बुजुर्गों को देखभाल करें और जो कॉलेज में युवा पीढ़ी है वो लोग भी जाके उनकी पिताजी उनकी दादाजी उनको देखभाल करने का निर्णय लें। बुजुर्गों को जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर करते हैं उनके अपने ही। 20 शहरों का सर्वे कहता है खराब व्यवहार के 80% मामलों में उनके बेटों या बहुओं का हाथ होता है। हेल्पेज इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं की संख्या बुजुर्ग पुरुषों की तुलना में 18.4 मिलियन ज्यादा होगी। 10 से भी कम वर्षों में बुजुर्गों की संख्या दुनिया भर में 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। 2050 तक करीब 80% बुजुर्ग विकासशील देशों में होंगे, जिनमें भारत और चीन द्वारा 1/3 योगदान होगा। गरिमा और सम्मान के साथ हमारे बुजुर्गों का जीवन सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। खास तौर पर युवा पीढ़ी को बुजुर्गों को समझने और उनकी देखभाल का जिम्मा लेना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को भी आगे चलकर बुढ़ापे के इस पड़ाव से गुजरना होगा। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।